वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज भी पांच इडियम्स और फ्रेजेस प्रस्तुत है। आज का पहला है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक की हिंदी दो है, स्पष्ट रूप से, अत्यंत निकट से। दोनों का दो सेंटेंस देखेंगे हम। फिर प्लेन सेलिंग। प्लेन सेलिंग का मतलब आसानी से बढ़ना। देन रूल ऑफ थम। यहाँ पर जो टी एच यू एम बी है, इसमें बी साइलेंट होता है और पढ़ते हैं टी एच यू एम बी को थम, रूल ऑफ थम, अंगुष्ठ नियम। देन ब्रोकन रीड, अविश्वसनीय आदमी। एंड एट लास्ट रैंक एंड फाइल, साधारण जनता। पहला है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है दो, एक देखिए स्पष्ट रूप से और दूसरा अत्यंत निकट से। पहले अत्यंत निकट से समझते हैं। आपने टारगेट बोर्ड जरूर देखा है, टारगेट बोर्ड जहां पर निशान लगाते हैं, इस तरह का होता है। आप शूटिंग शूटिंग में एंड आर्चरी में, अगर ये गेम्स देखा होगा आपने, तो वहाँ पे तीर से भी निशान लगाते हैं टारगेट बोर्ड पे और शूटिंग में बंदूक से भी निशान लगाते हैं टारगेट बोर्ड पे। अब ऐसी दूरी, आर्चरी की चाहे शूटिंग की, ऐसी दूरी जहाँ से खड़ा होते हैं और निशान लगाएं, तो इस टारगेट बोर्ड पे तीर या गोली लगना ही लगना है, तय है, उस दूरी को कहते हैं पॉइंट ब्लैंक। अगर दूरी यहाँ पे है जहां से निशाना लगा रहे हैं हम, और हो सकता है फिर यहाँ से निशाना नहीं भी लगे, इधर इधर बोर्ड पे जो टारगेट बोर्ड है इस पे निशाना ना लगे, तो उसे पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस नहीं कहेंगे। पॉइंट ब्लैंक क्या कहेंगे कि जहां से इस टारगेट बोर्ड पे कहीं ना कहीं लगना अवश्यंभावी होता है, उसे कहते हैं पॉइंट ब्लैंक। सटाक कर भी मारना शामिल होता है पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस में। तो ये हो गया अत्यंत निकट से, इसका यूज किया हुआ है। रीमा वाज शॉट पॉइंट ब्लैंक। रीमा वाज शॉट, रीमा को गोली मारी गई पॉइंट ब्लैंक। हिंदी डाल दीजिए यहाँ पे अत्यंत निकट से। रीमा को अत्यंत निकट से गोली मारी गई, पहला यूज हो गया। दूसरा है स्पष्ट रूप से। जब हम किसी की बात को इनकार करते हैं स्पष्ट रूप से, आ चाहे स्वीकार करते हैं स्पष्ट रूप से, तो वहां पे आप स्पष्ट रूप से के लिए, ऐसे तो आप जानते हैं क्लियरली का मतलब ही स्पष्ट रूप से ही होता है, लेकिन इसके लिए जो इडियम है दैट इज पॉइंट ब्लैंक है। माफ करेंगे, तो स्पष्ट रूप से के लिए पॉइंट ब्लैंक, क्लियरली कहिए चाहे पॉइंट ब्लैंक कहिए, दिस इज अन इडियम। कैसे? गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक। गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है पॉइंट ब्लैंक, मतलब स्पष्ट रूप से। गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है क्या? टू विदड्रॉ। विदड्रॉ मतलब वापस करना, वापस लेने का, लेने के लिए क्या? फॉर्म्स लॉस, कृषि कानून वापस लेने के लिए गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। तो ये हो गया पॉइंट ब्लैंक, स्पष्ट रूप से, और फिर अत्यंत निकट से के लिए नीचे का सेंटेंस हमने देखा। तो पॉइंट ब्लैंक एक डिस्टेंस हो गया और पॉइंट ब्लैंक एक यहाँ पे एडवर्ब हो गया। देखिए वर्ब के बाद आया है पॉइंट ब्लैंक, चाहे क्लियरली के बदला में आ रहा है, तो एल वाई जहाँ पे होता है नॉर्मली एडवर्ब होता है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप पॉइंट ब्लैंक का। नाउ प्लेन सेलिंग। देखिए पानी है, पानी में अगर कोई बोट है, बोट को जाना है, तो बोट अगर ये लहरें तेज है तो बोट भी ऊपर नीचे करेगा। अगर लहरें पानी है, बोट है, अगर लहरें बराबर है तो बोट भी आराम से जाएगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो लहरों का सही होना, ऊपर नीचे नहीं होना कहलाता है प्लेन। प्लेन कह देंगे उसको कि लहरें प्लेन है। और सेलिंग का मतलब समुद्र में या पानी में आगे बढ़ना, जाना। तो इस तरह से प्लेन सेलिंग आ गया, आसानी से बढ़ना, आसानी से। जब ये लहरें ऊपर नीचे होंगी अधिक, तो बोट आसानी से नहीं बढ़ेगा। बोट को इतना डिस्टेंस जाने के लिए ऊपर और फिर नीचे जाना पड़ेगा, तो टाइम भी लगेगा और फिर अधिक गतिविधि भी होगी बोट के अंदर। तो इसे आसानी से बढ़ना नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरे केस को आसानी से बढ़ना कहते हैं। तो लेकिन इसको हम मानते हैं
इडियम मानते हैं और प्लेन सेलिंग की हिंदी होती है आसानी से बढ़ना। लेकिन ये शब्द कहाँ से लाया गया आप समझ सकते हैं, बोट के मूवमेंट से जो समुद्र में या पानी में नदी में होता है। द स्टडीज ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी प्लेन सेलिंग। द स्टडीज, स्टडीज मतलब अध्ययन, अध्ययन ऑफ अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी का अध्ययन, शुड बी होना चाहिए प्लेन सेलिंग आसानी से बढ़ने वाला होना चाहिए, एक विद्यार्थी का अध्ययन आसानी से बढ़ने वाला होना चाहिए। नाउ रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब क्या होगा, थंब मतलब जानते हैं अंगूठा होता है, संस्कृत में उससे अंगुष्ठ कहते हैं, तो अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ नियम क्या होता है, अंगुष्ठ नियम देखिए जैसे आपके गले में कोई खराश होता है तो आप से कहा जाता है कि आप गर्म पानी पी लीजिए, चाहे गर्म पानी से गार्गलिंग कर लीजिए। तो यह जो नियम है एक्सपीरियंस के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर बनाया गया नियम है, इस नियम को बोलते हैं अंगुष्ठ नियम। जो गार्गलिंग करने का या गर्म पानी पीने का बताया, यह एक रूल ऑफ थंब कहलाता है जब गले में कुछ प्रॉब्लम होता है। वैसे ही अगर कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसका रूल ऑफ थंब होता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो रूल ऑफ थंब है कंप्यूटर 90% केसेस में काम करने लगेगा। तो ऐसे ही कॉमन सेंस के आधार पर समस्याओं को कम करने के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए, नहीं होने देने के लिए रूल ऑफ थंब का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे जो भी काम करते हैं वहाँ पे लगाते हैं। सड़क पर चलने में भी आपको बाएं तरफ चलना है, यह रूल ऑफ थंब है जिससे कि एक्सीडेंट नहीं होता है। नाउ रिवीजन इज द रूल ऑफ थंब फॉर ए सक्सेस, फॉर सक्सेस। रिवीजन मतलब पुनरावृत्ति, इज द रूल ऑफ थंब अंगुष्ठ नियम होता है, पुनरावृत्ति अंगुष्ठ नियम होता है फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। सफलता के लिए अंगुष्ठ नियम क्या है, पुनरावृत्ति, जितना पढ़ गए उतना को दोहराते रहिए, आप फिर भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में आएगा तो जरूर लिखेंगे, लेकिन नया नया पढ़ेंगे दोहराएंगे नहीं तो पीछे से भूलेंगे और नया को याद रखना भी मुश्किल होगा। इसलिए अंगुष्ठ नियम क्या है, जो पढ़ लिए उसे रिपीट कीजिए, रिविजन करते रहिए। नाउ ब्रोकन रीड, रीड की हिंदी होती है बांसुरी। आप जानते हैं बांसुरी का प्रयोग क्यों करते हैं, बांसुरी का प्रयोग करते हैं हम मधुर ध्वनि के लिए, मधुर ध्वनि। लेकिन मधुर ध्वनि बांसुरी से कब निकलेगी, जब बांसुरी सही होगी तभी, जब बांसुरी ब्रोकन होगी टूटी हुई होगी तो उसे तो ध्वनि निकलेगी नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ब्रोकन रीड, मतलब बांसुरी किसी काम का नहीं है, अविश्वसनीय है, वो अपना काम कर ही नहीं सकता है। यह एक इडियम हो गया और इसका मीनिंग हो गया अविश्वसनीय आदमी, अविश्वसनीय आदमी। होता क्या है, जैसे आपने किसी पे भरोसा किया और वह भरोसा तोड़ देता है तो उसको आप कहेंगे ब्रोकन रीड, अविश्वसनीय आदमी। इसी को यूज किया है, अ ब्रोकन रीड मतलब एक अविश्वसनीय आदमी इज होता है या होता है, नेवर बिलीव्ड, अ ब्रोकन रीड इज नेवर बिलीव्ड, मतलब एक अविश्वसनीय आदमी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह पैसिव वॉइस हो गया। एक अविश्वसनीय आदमी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसका हिंदी हो गया। नाउ रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल ए डिफेंस का वर्ड है, जो डिफेंस के सैनिक होते हैं पंक्तियों में रहते हैं, पंक्तियों में, इन पंक्तियों को कहते हैं रैंक एंड फाइल। और जो दूसरे लोग होते हैं ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो पंक्तियों में नहीं रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, वो रैंक एंड फाइल में नॉर्मली नहीं रहते हैं। तो जो रैंक एंड फाइल है यह सिपाहियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और सिपाही का मतलब क्या, डिफेंस के साधारण लोग। तो उसी को, उसी रैंक एंड फाइल जो डिफेंस में मोस्टली यूज होता है उसको सिविल में यूज करते हैं, और तब उसका मतलब होता है साधारण जनता, साधारण जनता रैंक एंड फाइल। कैसे, द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ रैंक एंड फाइल, गवर्नमेंट कार्य करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ के कल्याण के लिए, किसके, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल की हिंदी डाल दीजिए यहाँ पर साधारण जनता। गवर्नमेंट सरकार साधारण जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, हिंदी हो गया।
तो इस तरह से हमने आज के पांचों को समझा, कोशिश किया कि कैसे बना है यह इडियम या फ्रेज, और हमने सबका कोरस्पोंडिंग सेंटेंस भी देखा, हिंदी भी देखा। पहला है पॉइंट ब्लैंक, स्पष्ट रूप से, अत्यंत निकट से। दूसरा प्लेन सेलिंग, आसानी से बढ़ना होता है। तीसरा रूल ऑफ थम, थम ही पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है, बर्न मत पढ़िएगा आप, रूल ऑफ थम, अंगुष्ठ नियम। देन ब्रोकन रीड, अविश्वसनीय आदमी। एंड एट लास्ट रैंक एंड फाइल, साधारण जनता। तो आप सबका दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।